असलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ सोचा तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होने के साथ साथ ना मैंने ये एक बनाया था, टैंग बहुत ज़बरदस्त होता है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना। चाहिए वो नमक जो कि हमने एक टेबल स्पून लिया है चटनी बनाने के लिए, उसके अलावा हमें चाहिए वो चाट मसाला चटनी के लिए, वो जो हम इमली का पानी बनाएंगे उसके लिए हमें कोरिएंडर चाहिए होगा और बॉलिनर चाहिए होगा। उसके अलावा लहसुन ले लेंगे और हरी मिर्च ले लेंगे और उसके अलावा इमली ले लेंगे, इमली का गुदा ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास खुद की दही बूंदियाँ होती हैं तो वो है तो आप लोग वो ले सकते हैं, मैं तो वही ले रही हूँ। सबसे पहले उसके लिए मैंने पानी बॉइल करने रख दिया है, जैसे पानी को गर्म होने देंगे जब तक ये पानी खोल रहा है, इसके बाद जब खोल जाएगा तो उसके अंदर दही बूंदियाँ डाल देंगे, फिर वो फूल जाएंगी। इधर हमारे पास ये दही बूंदियाँ थी, ये हमारे दही बूंदी सबसे पहले हमारे पास ये दही बूंदियाँ हैं और आप दे सकते हैं इस तरीके से। हमने प्लेट में निकाल लिया है, फ्लेम हमने हाई रखा है इसका, देख सकते हैं पानी हमारा बॉइल हो चुका है, इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर जो है हम दही बूंदियाँ डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर मैंने दही बूंदियाँ डाल दी हैं और अब जो है इसको ढक देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी सी जो है वो फूल चुकी है। उसी तरह हमने अनियन ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रख दी है, उसके अलावा ये सारा सामान चटनी भी सजाएंगे, इमली को हमने भिगो दी है। सब हमने चीज़ों को जो ग्राइंड कर लेते हैं, इमली पानी को फिर ग्राइंड करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ग्राइंड कर लिया है, अब चलिए इसके जो है वो सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इमली का पानी थोड़ा सा बचा लिया था और थोड़ा सा चटनी में डाल दिया था, तो इसको ना इस बाउल में हम लोग डालेंगे। इस पानी को हमने मुँह भर लिया है, इसके अंदर कुटी की मिर्ची वाली हमें डाल देंगे। तो अब इसके अंदर ये वाली चटनी रख करें जो हमने बनाई थी पानी वाली, इसके अंदर चटनी ऐड कर दी है, इसके अंदर सारी दही बूंदियाँ ऐड कर दी है। आप लोग देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है वो प्याज डाल दी थी, स्प्रिंकल कर दी थी, उसके अलावा इसके ऊपर मैंने कोरिएंडर स्प्रिंकल कर दी थी। अब इसके अंदर हम सॉल्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं और नमक स्प्रिंकल कर देंगे, सॉल्ट और चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। सो ये देखिए आप लोग कितना मज़ेदार और शानदार बनके हमारी पानी पूरी की रेडी हुई है, और ये हमने बहुत ही ईजी रेसिपी आपको बताई है, और इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पकौड़े भी नहीं बनाने पड़ते, आराम से इजी और घर में अपने बहुत एकदम ये बहुत ही ज़बरदस्त हमने न्यू तरीके से बनाया है बूंदी पानी, और इसी तरह गर्मियों में इमली का पानी और बहुत ज़बरदस्त चटनी है, और ये बहुत ज़बरदस्त लगती है गर्मियों में पीने के लिए, खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए सर्व करते हैं।